हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजी क्लासेस। मेरा नाम है मोंटी धामा और आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं नीट 2022 के क्वेश्चन पेपर का पूरा सॉल्यूशन आज हम देखेंगे हम अपने चैनल पर एसजी क्लासेस पर। तो चलिए आज के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं नीट 2022 का। तो आइए अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म बाय प्लांट फिजियोलॉजिस्ट टू आइडेंटिफाई द प्लांट टिश्यू थ्रू विच, मतलब ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था कौन से टिश्यू को फाइंड करने के लिए। ये ग्रिडलिंग एक्सपेरिमेंट करा गया था फ्लोएम को फाइंड करने के लिए। किसको? फ्लोएम को। फ्लोएम को फाइंड करने के लिए फ्लोएम को फाइंड करने के लिए करा गया था ये एक्सपेरिमेंट। और फ्लोएम में क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है? फूड को। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पाइरूविक एसिड। ये देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। जो हमारा नेट गेन होता है, नेट गेन, जो नेट गेन में आता है, दो। टोटल एटीपी कितने बनते हैं? 4। लेकिन नेट गेन में कितने आते हैं? सिर्फ 2, क्योंकि 2 तो हम स्टार्टिंग में अपनी तरफ से देते हैं हम ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को एक्साइटेड करने के लिए ताकि वो टूट सके। तो 2 मॉलिक्यूल हम देते हैं और कितने एटीपी बनते हैं? 4। लेकिन इसमें क्या है कि 2 एनएडीपीएच भी बनते हैं। क्या बनते हैं? दो बनते हैं एनएडीपीएच, एनएडीपीएच, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 2 एनएडीपीएच भी बनते हैं। इनसे क्या होता है? लिगेज के थ्रू कितनी एटीपी गेन जाती है? 6 एटीपी को हम क्या करते हैं? गेन करते हैं। कितनी एटीपी को गेन करते हैं? 6 एटीपी। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल हो गई हमारे पास 8 एटीपी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2। तो इसका सही आंसर क्या है? आंसर नंबर 2, ठीक है। तो हमने सेकंड क्वेश्चन देखा अपना। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आया हमारा? सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया हमारा आंसर नंबर 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। आइए अब हम देखते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है? थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम ग्लूकोज ड्यूरिंग द लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जब हमारा लैक्टिक एसिड बनता है, क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनता है, तो कितने परसेंट क्या आता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, क्या करते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, तो कितने मॉलिक्यूल मिलते हैं हमें? 36 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी हमें मिलते हैं। लेकिन जब हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करेंगे या फिर अल्कोहल का प्रोडक्शन करेंगे तो हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं एटीपी? वो मिलते हैं सिर्फ 2। तो इसमें कितने परसेंटेज आ गया? लेस देन अस। कितने परसेंट आ गया? ये लेस देन अस 7% ऑफ एटीपी का गेन होता है। कितने परसेंट का? लेस देन अस 7। आइए देख लेते हैं 2/36 कब मिलते हैं? 36 मॉलिक्यूल्स कब मिलते हैं हमें? 36 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। आइए एक बार शीट को दोबारा से देख लेते हैं कितने। तो हमें कितने मॉलिक्यूल्स मिलते हैं? 36 मिलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान। लेकिन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के दौरान मिलते हैं 36 इंटू में 100 ग्राम ने। ये क्या निकल गई? परसेंटेज निकल गई। कितनी आ गई? ये हो गया 2 8 18, 8 5 95.5%, ठीक है। तो इतने परसेंट क्या आएगी? एटीपी गेन आएगी, मतलब इतने परसेंट हो गए। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2 इसका ठीक है। आंसर कौन सा ठीक है? आंसर नंबर 2। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप कि आप सब लोगों का काफी अच्छा गया होगा। काफी आसान था, लेकिन क्या था कि काफी लेंथी पेपर दे रखा था ये। आइए तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्सोटाइप ऑफ सैचुरेटेड
क्या दे रखा है इसमें, हमें कहां देखने को मिलता है? इसका सिंपल सा एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में, वो क्या है, ग्रास ऑफर, क्या है, ग्रास ऑफर। आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, अगला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड, इनकरेक्ट मतलब इनमें से कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, मतलब कौन सा गलत है। तो इसमें से क्या दे रखा है, पोर फायर ऑफ फ्लोरिडिन स्टार्स, हमें पता है फ्लोरिडिन स्टार्स कहां देखने को मिलती है, रोडोफाइसियल्स में मिलती है, तो ये तो सही है। वोलक्स में क्या देखने को मिलता है, स्टार्स, ये भी सही है। एक्टोकार्पस में क्या देखने को मिलता है, फ्यूगोजेंथिन, ये पिगमेंट होता है जो किसमें देखने को मिलता है, ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है, तो ये सही है। ये देखिए क्या दे रखा है, यूलोथ्रिक्स, यूलोथ्रिक्स दे रखा है, मैनिटोल से कनेक्टेड, हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फोर। ये कैसे हो जाएगा, तो मैनिटोल वो होता है ब्राउन एल्गी का कंपाउंड, लेकिन यूलोथ्रिक्स किसका एग्जाम्पल है, क्लोरोफाइट्स का एग्जाम्पल है, और क्लोरोफाइट्स में अभी क्या होता है, स्टार्च होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर फोर। तो चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू पोलिनेशन। पोलिनेशन में क्या है, फ्लोर प्रोड्यूस फाउल ऑर्डर टू अट्रैक्ट द फ्लाइज एंड बीटल्स टू गेट पोलिनेटेड, क्या दे रखा है, ये स्टेटमेंट सही है। जब हम बैट से पोलिनेशन कराते हैं तो एक फाउल ऑर्डर की स्मेल करते हैं जिससे कि बैट वगैरह क्या हो सके, अट्रैक्ट हो सके, तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। एक मिनट, तो चलिए अपने अगला स्टेटमेंट देखते हैं, मोथ्स एंड बटरफ्लाई आर द मोस्ट डोमिनेंट एंड पोलिनेटिंग एजेंट अमंग द इंसेक्ट। इसमें क्या कहा गया है कि मोथ्स और बटरफ्लाई क्या है, मोस्ट डोमिनेंट है, ये यहाँ पे क्या आना चाहिए था, बीज आना चाहिए था, मतलब मधुमक्खी वगैरह आनी चाहिए थी जो सबसे ज्यादा करती है, पोलिनेशन कराती है, तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर सेकंड हो गया इसका आंसर। लेकिन आगे के दो स्टेटमेंट्स और देख लेते हैं, पोलिनेशन बाय वाटर इज द क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ये बात सही है, और पोलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग्स द एबायोटिक पोलिनेशन, विंड के थ्रू ऑलमोस्ट 30 जनरा तक का होता है लेकिन वाटर में इतना भी नहीं होता है, इसलिए मोस्ट कॉमन बाय एजेंट क्या है हमारा, वो होता है विंड। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी की लाइन है जो उठाकर दी गई है। तो आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर है सेवन, गिवन ब्लो टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं हमें। स्टेटमेंट पहला क्या है, मेंडल स्टडीड सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट एंड प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। हमारे जेनेटिक जेनेटिस्ट कौन है जिन्होंने जेनेटिक की शुरुआत करी, वो है ग्रिगोर मेंडल। कौन से उस पर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, पाइसम सटाइवम, पी प्लांट के ऊपर। आइए स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा क्या है, स्टेटमेंट फर्स्ट है हमारा ट्रू। तो आइए स्टेटमेंट नंबर सेकंड देखते हैं, सेवन कैरेक्टर्स एग्जामाइन द बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट वर सीड शेप एंड सीड कलर, फ्लोर कलर, पॉड शेप एंड पॉड कलर, फ्लोर पोजीशन एंड स्टेम हाइट। ये वाला स्टेटमेंट भी सही दे रखा है, इन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर सेकंड क्या है, ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि ये दोनों सही है। आइए अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डजंट शो प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का ये एग्जाम्पल है, प्लास्टिसिटी का सिंपली ये एग्जाम्पल दे रखा है क्वेश्चन वो चैप्टर नंबर 15 का, आई थिंक थर्ड पेज पर ही दे रखा है कि प्लास्टिसिटी क्या होती है, और उसके एग्जाम्पल कौन कौन है, बटरकॉप, कॉटन और कोरिएंडर। इसका क्या एग्जाम्पल नहीं है, वो है मेल, तो इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सेकेंड। आइए अपने अगले चलते हैं, आइए तो अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या था, 109, एक्सोस्केलेटन्स और आर्थ्रोपोडा इज कंपोज्ड ऑफ, इसमें क्या कहा गया है कि एक्सोस्केलेटन और आर्थ्रोपोडा किससे बनता है। इसका सीधा सा आंसर क्या है, काइटिन से बनता है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर वन हो जाएगा। किससे बनता है, काइटिन से बनता है। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें क्या दिया गया है कि एक गिवन ब्लॉक टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट देख लेते हैं। डीकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच द डेट्रियस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपल सब्सटेंस बाय माइक्रोब। स्टेटमेंट क्या है, ये सही है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर वन क्या है, स्टेटमेंट नंबर वन है ट्रू। आइए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। डीकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डेट्रियस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। ये सरासर गलत है स्टेटमेंट। ये गलत क्यों है, क्योंकि अगर लिग्निन और काइटिन होंगे, क्या कहा मैंने, लिग्निन और काइटिन होंगे तो डेट्रियस क्या होगा, बहुत स्लो तरीके से होगा। लेकिन अगर फास्फोरस हो या फिर क्या हो, नाइट्रोजन वगैरह हो, तो क्या होगा, तब होगा डीकम्पोजिशन, क्या फास्टर रेट में आएगा। क्या आएगा, डीकम्पोजिशन फास्टर रेट में आएगा। किसमें आएगा, फास्टर रेट में आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर वन, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट द स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या है, स्टेटमेंट नंबर वन, मतलब ऑप्शन नंबर वन। तो आइए अपना अगला क्वेश्चन क्या है। आप तक देख ही रहे होंगे कि पेपर काफी इजी लग रहा है, लेकिन पेपर काफी इजी है, लेकिन क्या है, पेपर काफी लेंथी बनाया हुआ है। कोई बात नहीं, हमने जैसे कि प्रैक्टिस की थी कि पेपर काफी लेंथी भी आ सकता है, तो ये उसी तरह का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम देखते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लोइटेशन एंड स्पीसीज इन्वेजन एंड कोएग्जिस्टेंस आर कॉज्ड। ये किसके कॉजेज है, ये सीधा सीधा एनसीईआरटी की लाइन है, इविल कोऑर्डिनेट के बारे में हम जानते हैं। तो ये किसके बारे में आएगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस ही आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर वन हो जाएगा। तो आंसर नंबर वन स्टेटमेंट। हम क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 112। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग एटीपी थ्रू कीमियो ऑस्मोसिस। इट इन्वॉल्व्स, इसमें क्या इन्वॉल्व करते हैं, तो कीमियो ऑस्मोसिस के दौरान क्या सही है और क्या सही नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मूवमेंट ऑफ द प्रोटोन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा, ये बात एकदम सही है। स्ट्रोमा के वो क्या होता है कि प्रोटॉन्स का मूवमेंट होता है स्ट्रोमा और ल्यूमन के बीच में। रिडक्शन ऑफ एनएडीपी टू एनएडीपीएच2, ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। एनएडीपी से एनएडीपीएच2 बनता है, जब भी एटीपी साइकिल होती है, मतलब जब भी हम केल्विन साइकिल को परफॉर्म करते हैं, रिजनरेशन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ द प्रोटोन ग्रेडियंट, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है कि प्रोटोन ग्रेडियंट को हम क्या करते हैं, ब्रेकडाउन करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कोई भी काम नहीं होता, बस इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, फ्लो होता है। लेकिन ग्रेडियंट हमेशा किसका बनता है, प्रोटोन का ग्रेडियंट बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 112 का आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द नाइट्रोजन फिक्सेशन नोड्यूल इन रूट ऑफ एलनस प्लांट। ये सीधा सीधा चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी नंबर सेकंड, चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, 12th का। इसमें क्या दिया हुआ है कि नॉन लेग्युमिनस प्लांट में क्या होता है कि कौन क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, वो होता है पत्तियां। तो इसका सीधा एक है, ये एग्जांपल है, इसका क्या होगा, आंसर नंबर 4। तो ये हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट्स को ढूंढना है, किसे करेक्ट स्टेटमेंट्स को ढूंढना है। द लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू पॉइंट हार्ड थ्रोन्स इन सिट्रस एंड बुगनवेलिया, ये वाला क्या है, स्टेटमेंट सही है। एक्सिलरी बर्ड्स परफॉर्म द सिलिंड्रिकल एंड स्पाइरली कॉइल्ड टेंडल्स इन कुकुम्बर एंड पंपकिन, ये वाला भी क्या है, स्टेटमेंट सही है। स्टेम इज फ्लैटेंड एंड फ्लैशिंग इन ओपुंचिया,
एंड मॉडिफाइड टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ लीव. ये वाला क्या है, ये वाला स्टेटमेंट है, गलत है. ठीक है, राइजोफोरा शोज द वर्टिकली अपवर्ड ग्रोइंग मूवमेंट. ये वाला भी स्टेट क्या है, सही है. सब एजियल ग्रोज इन द स्टेम इन द ग्रासेस एंड द स्ट्रॉबेरी हेल्पिंग वेजिटेशन. ये वाला भी स्टेटमेंट क्या है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकेंड. तो ये हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, आइए देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक. यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के दौरान क्या कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. द प्रेजेंस, पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ अ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस गिव द ब्लू कलर. ब्लू कलर ये गलत दिया गया है. क्या होता है, ऑरेंज कलर आता है, ब्राइट, क्या देखिए, ब्राइट ऑरेंज कलर आता है. किसके कारण, यूवी लाइट के पड़ने के कारण. और ये कब पड़ता है, जब हम इडियम ब्रोमाइड की क्या करते हैं, शेनिंग करते हैं. तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला सही है. और ये देख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन सेपरेशन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड फ्रॉम द जेल सॉल्यूशन. ये वाला स्टेटमेंट भी सही है कि ये जब हम पीसेस निकालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इल्यूशन बोलते हैं. तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर बना जाएगा वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में क्या गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन. किसके बारे में, माइटोटिक सेल डिवीजन के दौरान क्या नहीं होता कभी भी. देखिए ऑप्शन फर्स्ट में दिया है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, ये किस में देखने को मिलती है, ये मियोसिस में देखने को मिलती है, हमें मियोसिस में. बाकी अगर हमें ऑप्शन मिल गया है तो ऑप्शन नंबर वन ही होगा. लेकिन आइए देख लेते हैं कि और स्टेटमेंट्स भी क्या दिए गए हैं. कोलिंग एंड द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड, ये वाला स्टेटमेंट सही है. प्रोफेज बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटिक कोर ऑफ द क्रोमोसोम. ये काम होता है, ये मेटाफेजिक प्लेट के दौरान काम होता है. मूवमेंट ऑफ द सेंट्रियोल टुवर्ड्स अपोजिट पोल, ये कब किया जाता है, कब होता है, ये होता है जब प्रोफेज से मेटाफेज की शिफ्टिंग होती है. तो ये वाला ऑप्शन भी सही है. तो हमारा 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर वन. तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा गया है, 17 कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ एक्सीटू कंजर्वेशन. इनमें से क्या मेथड क्या है, एक्सीटू कंजर्वेशन है. देखिए माइक्रोपेगेशन, क्रायोप्रिजर्वेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसके एग्जांपल है एक्सीटू पे, एग्जांपल है एक्सीटू पे. लेकिन हमें क्या बताना है कि जो एक्सीटू नहीं हो एग्जांपल वो बताए. तो इसका ऑप्शन है फोर्थ, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं इन सीटू, इन सीटू, इन सीटू कंजर्वेशन होते हैं. तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर. नंबर 18 क्या है, 118 मतलब 118 क्या है क्वेश्चन नंबर, द गैसेस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इज यूज्ड इन प्लांट्स टू. देखिए क्या दिया गया है कि ग्रोथ रेगुलेटर्स जो किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, हेल्प टू ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस. गैसियस हॉर्मोन्स के बारे में बात कर रहा है, यानी किसके बारे में, इथाइलीन के बारे में बात कर रहा है, C2H4 के बारे में बात कर रहे हैं, C2H4 के बारे में बात कर रहे हैं, गैसियस हॉर्मोन. तो एपिकल डोमिनेंस कौन शो करता है, साइटोकाइन. एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है साइटोकाइन. फील्ड ये कौन करता है, ये करता है 2,4-D यानी ऑक्सिन. ये कौन करता है 2,4-D और स्पीड अप द मोल्टिंग प्रोसेस. ये कौन करता है, जिब्रेलिक एसिड करता है, ये जिब्रेलिक एसिड करता है. फोर्थ ऑप्शन देखिए, प्रमोट द रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन इन द एब्जॉर्प्शन सरफेस. एब्जॉर्प्शन सरफेस यानी फ्रूट्स को मैच्यूरेशन कब होता है, फ्रूट को मैच्यूरेशन में कब होता है,
फ्रूट का मैच्योरेशन जब होता है, जब इथाइलिन बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस होता है, और इथाइलिन के प्रोड्यूस होने के कारण क्या होती है, रूट की ग्रोथ होती है, जिससे क्या हो सके, फ्रूट मैच्योर हो सके। तो आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या गया है, द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस कैरेक्टराइज अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल कब देखने को मिलता है, ये इसमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है पेकाइटिन स्टेज में। कब देखने को मिलता है, पेकाइटिन स्टेज में देखने को मिलता है, और पेकाइटिन स्टेज में क्या होता है, टोफू ओवर होती है। तो इसका आंसर आंसर 1। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या कहा गया है, द प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर, कुकुम्बर हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड इन रिसेंट ईयर, एप्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटो हार्मोन रिजल्टेड इन द इंक्रीज इन द यील्ड एज द हार्मोन इज नोन टू प्रोड्यूस फीमेल फ्लोरिंग। ये कौन करता है, ये करता है इथाइलिन। सीधा सीधा एनसीईआरटी में दिया गया है, ये कौन करता है, इथाइलिन। इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। तो हम क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, अगेन एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, अगेन ये क्या है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, क्लिस्टेगामोफ्लोवस आर इनवेरिएबली ऑटोगैमस। क्या कह रहे हैं कि क्लिस्टेगामोफ्लोवर क्या है कि इनवेरिएबली ऑटोगैमस है। इसमें क्या होता है कि ये कभी भी ओपन नहीं होते हैं, क्या होते हैं, ओपन नहीं होते, जिसके कारण क्या होता है, ये हमेशा क्या शो करते हैं, ऑटोगैमस शो करते हैं। कौन करता है, क्लिस्टेगामोफ्लोवर। उसके एक और होता है, वो कौन सा फ्लोवर होता है, चेस्मोगैमस फ्लोवर, जो ओपन भी होता है और क्लोज पोलिनेशन को क्या करता है, प्रीफर करता है देन ऑटो पोलिनेशन को। तो आइए स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या है, ट्रू है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 देखते हैं, क्लिस्टेगामी इज अ डिसएडवांटेज एज देयर इज नो चांस ऑफ क्लोज पोलिनेशन। बात भी सही है कि अगर केवल अगर क्या होगा कि फ्लोवर ओपन ही नहीं होगा तो इसमें क्या होगा कि क्लोज पोलिनेशन कभी नहीं देखने को मिलेगी, और क्लोज पोलिनेशन नहीं होगी तो एडवांटेज नहीं मिलेगी उसे, यानी क्या होगा, ये धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, तो इसमें कोई भी इवोल्यूशन नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर कह रहा हूं स्टेटमेंट 2 क्या भी है, ट्रू है। तो इसका दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर होगा 3rd, ऑप्शन नंबर 3rd। आइए देख लेते हैं, ये वाला बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या दे रखा है कि हमें स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं और सही ऑप्शन को चूज करना है। देखिए क्या है कि वेसल बंडल्स आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई, ये क्या है, ऑप्शन ठीक है। कॉन्जॉइंट क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स डू नॉट पजेस कैम्बियम, जो क्लोज्ड होंगे उनके पास कैम्बियम नहीं होती, ये वाली ठीक है, ये और इन ओपन वेस्कुलर बंडल कैम्बियम इन फ्लोइंग बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये भी सही है। अगर क्या होंगे कि जाइलम और फ्लोएम ओपन होंगे तो उनके बीच में क्या देखने को मिलते हैं, कैम्बियम रिंग देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर क्लोज होते हैं तो इनके बीच में कैम्बियम रिंग देखने को नहीं मिलती, यानी जिनके पास कैम्बियम रिंग नहीं होती वो सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करते, ठीक है। मोनोकोटिलेडंस मैक्सिमम प्लांट क्या होते हैं, मोनोकोटिलेडंस होते हैं ऐसे प्लांट। तो आइए इससे अगला देखते हैं, द वैस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकोटिलेडंस स्टेम पोजेस एंडार्च प्रोटोजाइलम, ये वाला स्टेटमेंट भी सही दिया गया है। इन मोनोकोटिलेडंस रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल, क्या होता है कि मोनोकोटिलेडंस में 6 से ज्यादा जाइलम बंडल मिलते हैं, यानी ये ऑप्शन भी क्या है, ये ऑप्शन भी सही दिया गया है, यानी यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए ये सारे ही ठीक है। तो ये ऑप्शन में देख लेते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, क्या है ऑप्शन ए बी सी डी, ये वाला ये वाला नहीं हो सकता। यानी ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, एक बोनस है, ये एक बोनस क्वेश्चन है, मतलब इसमें क्या है कि सारी चीजें ठीक है
तो ऑलमोस्ट इसको अगर आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो इसके आपको मार्क्स जरूर मिलेंगे, मार्क्स जो है वो आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा आपने क्योंकि हमारे क्या है कि सभी स्टेटमेंट्स ठीक लग रहे हैं हमें, मतलब ये सारी की सारी लाइंस क्या है, ये सारी के सारे स्टेटमेंट्स क्या है, ये सही है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऑप्शनल, कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके मार्क्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आइए जब ऑफिशियल आंसर क्या आएगी और हम तब देख लेंगे, लेकिन मेरे इसमें था, लेकिन ऐसा कोई भी ऑप्शन हमें नहीं दे रखा है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम, क्या देखा है, ओल्ड ट्रीज द ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज डार्क ब्राउन एंड रेजिस्टेंस इन इंसेक्ट्स अटैक ड्यू टू, क्या है रेजिस्टेंस होता है इंसेक्ट अटैक से, क्या है द सीक्रेशन ऑफ द सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड देयर डिपोजिशन ऑफ द ह्यूमन इन द वेस्ट दी गई है, डिपोजिशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिंस एंड रेजिंस इन सेंट्रल लेयर ऑफ द स्टेम, ये वाली क्या है, ये वाली स्टेटमेंट भी सही है, डिपोजिशन द सुबेरेन इन एंड एरोमेटिक सब्सटेंस इन द आउटर लेयर, ये बात गलत है, और डिपोजिशन ऑफ द टैनिंग गम्स एंड रेजिंस एरोमेटिक सब्सटेंस इन द पेरिफेरी में नहीं होता, ये बीच में ये भी देखा, और लास्ट वाला क्या है, द प्रेजेंस ऑफ पैनकमा सेल्स फंक्शनली एक्टिव जाइलम एलिमेंट एंड एसेंशियल ऑयल, क्या फंक्शनली एक्टिव जाइलम एलिमेंट्स होते हैं, पैनकमा सेल्स में क्या देखने को मिलते हैं हमें, जो क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, लेकिन इसमें एसेंशियल ऑयल्स जो पैनकमा सेल्स स्टोर करती है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, ये हो गया गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन क्या क्या ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है ए एंड बी, तो इसका आंसर क्या होगा, मैं बता दूं ये कौन सा सेट है, एस टू सेट कर रहे हैं, कौन सा सेट है ये नीट का एस टू, ठीक है, तो ये है एस टू सेट, जैसे मैं कौन सा क्वेश्चन ठीक है कौन सा गलत है, तो आप अपने चेक करते चलिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपके कितने मार्क्स बैठ रहे हैं, हम जल्दी एक कट ऑफ के रिगार्डिंग भी ये वीडियो लेके आने वाले हैं, क्या होगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि इसके क्या कट ऑफ रह सकती है और कितने मार्क्स तक का कट ऑफ जा सकती है, मतलब आपको गवर्नमेंट कॉलेज कितने तक का मिल सकता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसके बारे में पता चल सके। आइए हम अपने चलते हैं, हाइड्रोकोलोइड कैरेजन, कैरेजन देखने को मिलता है रोडोफाइसिनेट, रोडोफाइसिनेट किसमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है हमें रोडोफाइसी में, तो हमने पढ़ा था जेलिडियम एंड जेलिशिया, जेलिडियम एंड गैलिशिया क्या है किसके एग्जांपल है, रोडोफाइसी के एग्जांपल है, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर, इससे अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कनेक्टेड प्रीडेशन, प्रीडेशन के बारे में बात कर रहे हैं, आइए ऑप्शन देखते हैं, प्रीडेशन से कौन सी चीज लिंक नहीं होगी, बोथ द इंटरेक्टिंग स्पीसीज आर नेगेटिवली इफेक्ट, ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन क्या है गलत है, हमें किसमें देखने को मिलता है दो साइड, हमें दोनों साइड नेगेटिव कब देखने मिलते हैं, हमें दोनों साइड नेगेटिव देखने मिलते हैं, तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर वन, एक मिनट रुकिए मैं, हेलो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आइए चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बताया गया है कि
ई ऑप्शन नंबर वन क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर वन दिया गया है प्रेडिक्शन से, प्रेडिक्शन के रिगार्डिंग हमें कौन सा सही है ये चूज करना था। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर वन। ये पहले स्टेटमेंट क्या दिया गया है कि दोनों नेगेटिव की चीजें दी गई है। ये किसमें देखने को मिलता है हमें, ये देखने को मिलता है हमें कॉम्पिटिशन के दौरान, कि दोनों ही प्रेडिक्शन में क्या होता है कि एक स्पीसीज को होता है नुकसान होता है। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बेसिस हो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म किसका बेसिस है, ये दोनों जेनेटिक मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंट। ये ऑप्शन क्या है, ये ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या है, ट्रिकी क्वेश्चन है। आपको अगर इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि जेनेटिक मैपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों में ही क्या इस्तेमाल किया जाता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सही है। ये मत टिक कर लेना ये ऑप्शन क्या गलत है, क्योंकि इसमें खाली क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दे रखा है। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। फ्लोवर जाइगोमॉर्फिक, फ्लोवर क्या है, जाइगोमॉर्फिक कौन सा फ्लोवर है। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी क्वेश्चन है कि इसमें बताना है कि हमें जाइगोमॉर्फिक कौन सा फ्लोवर है। तो मस्टर्ड क्या है, जाइगोमॉर्फिक। ट्यूमर क्या है, ये भी जाइगोमॉर्फिक है। कैशिया क्या है, कैशिया क्या है, चलिए बताइए। कैशिया भी क्या क्या कह रहे हैं हम कि कैशिया क्या है, क्या नहीं है। धतूरा क्या है, और चिली। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या है, कि ये ऑप्शन क्या सही हो सकता है। जल्दी से कमेंट करिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है चारों ऑप्शन में से। आई चलिए अब हम अपना आंसर देखते हैं। मस्टर्ड क्या है, मस्टर्ड क्या है, जाइगोमॉर्फिक नहीं है। लेकिन कैसिया के बारे में बात की थी, हमने अपना कोर्स पूरा का पूरा पढ़ाया था आपको, 11th में बताया था कि ग्लूमोर और कैशिया क्या है, एक जाइगोमॉर्फिक फ्लोवर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4 बी एंड सी। चिली क्या है, चिली है एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट। क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक। आइए हम अपने देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर 128 में क्या दिया गया है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए टू प्रोटीन बिगन एज सून एज बोथ द सब यूनिट जॉइन टुगेदर टू बाइंड विद द एमआरएनए। क्या कहा गया, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए प्रोटीन बिगिंस एज सून एज। क्या है कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस कब शुरू होता है, इसमें क्या होता है, एनसीईआरटी में एक लाइन दी गई है क्या, कि टी आर एन ए से जब एमिनो एसिड जुड़ेगी तो वो एसाइलेशन ऑफ एमआरएनए बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन ऑफ टी आर एन ए बोलेंगे। यही इसका सबसे पहला प्रोसेस होता है, जैसे ही ये काम खत्म हो जाएगा, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड एड और कॉम्बिनेशन विद टी आर एन ए क्या है, एसाइलेशन ऑफ टी आर एन ए का काम जैसे ही खत्म होगा तो अगर ट्रांसलेशन शुरू हो जाएगा। तो इसको कौन सा क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड। अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 129। व्हिच ऑफ द फ्लावर इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे के दौरान क्या हमें देखने को नहीं मिलता, ये एक सीधा सीधा क्वेश्चन है। एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है कि डेड प्लांट्स के टिश्यू मतलब सेल वॉल के थ्रू मूव करता है, और हमारे पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। द मूवमेंट इज एडेड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग ये किसमें देखने को मिलता है, ये सिम्प्लास्ट में देखने को मिलता है। साइटोप्लाज्म के थ्रू जो वाटर का मूवमेंट होगा उसमें हमें किसमें देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है हमें सिम्प्लास्ट में। लेकिन हमें पूछ रखा है ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। तो सही है ऑप्शन नंबर 2। और मैं आपको बता चलूं ये कौन सा सेट है, ये है H2 जो हम सो कर रहे हैं। ये का क्वेश्चन पेपर जो हम सो कर रहे हैं उसका सेट क्या है, ये है H2।
आई एम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, है अगेन एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या दिया गया है। द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टेड इन C4 प्लांट इज फॉस्फोइनोल पाइरूवेट एंड इट इज फाउंड इन द मेसोफिल सेल। ये क्या है, ये ऑप्शन नंबर 2 है। मेसोफिल सेल्स ऑफ द C4 प्लांट लैक रूबिस्को को एंजाइम। ये बेटा ये बात है, ये बंडल सीड सेल में होता है रूबिस्को। तो क्या हो गया हमारा, ऑप्शन दोनों ही करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोबारा से सोल्व कर रहे हैं हम S2, और आप हमें कमेंट में जरूर बताएगा कि आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हैं और आप क्या स्कोर कर रहे हैं, ताकि हम आगे आपको गाइड कर सके और गाइडेंस। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मार्क्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, या फिर ऐसा है कि आपको वो गाइडेंस की जरूरत है, या फिर कुछ भी करना है, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। तो हमारा नंबर क्या है, 8080 6569891। आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कॉल करके हमसे हमारे बैचेस के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस साल आपको वो कॉलेज नहीं मिल सकता, या फिर आपको वो थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, और आपको वो एक सही प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं कि एक जहाँ पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके और आपको सारी चीजें समझ में आ सके, तो आप हमारे SG क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हम जल्दी अपना बैच लॉन्च करने वाले हैं, आप इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं हमें कि हमारा बैचेस कब शुरू होंगे, और इसकी जितनी भी जानकारी आपको जल्दी दे दी जाएगी हमारे चैनल पर। तो इसलिए आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी बच्चों तक पहुंच सके। और जिसने अपने अब तक का मार्क्स चेक नहीं किए हैं, वो अपने मार्क्स चेक कर ले हमारे साथ। जल्दी फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी सॉल्यूशन अपलोड कर दिया जाएगा। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हम क्वेश्चन कौन सा सोल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें अगेन ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तो ये देखते हैं। यू क्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड क्रोमेटिन, ये बात एकदम ठीक है। हेटरोक्रोमेटिन इज अ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, ये बात गलत है, क्योंकि हेटरोक्रोमेटिन इनएक्टिव होता है। स्टोन ऑक्टोमर इज ग्रैब्ड बाय नेगेटिवली चार्ज DNA न्यूक्लियोसोम। स्टोन ऑक्टोमर क्या है कि नेगेटिवली चार्ज होता है। स्टोन ऑप्टोमर इज ग्रैब्ड बाय नेगेटिवली चार्ज DNA न्यूक्लियोसोम, बताइए क्या ये बात सही है, ये बात क्या है, ये बात सही है। तो स्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये सब लाइसिन क्या है कि बेसिक एमिनो एसिड होते हैं, और ये रिच होता है, इसी के कारण क्या होता है कि स्टोन क्या होता है कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। और क्या है, न्यूक्लियोसोम में प्रोटीन स्पेसिस, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें क्या होते हैं कि 400 बेस पेयर्स देखने होते हैं एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 4, ऑप्शन 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, हम इसमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जो कि क्या, जो कि सभी चीजों में अलग हो, क्या हो, अलग हो। ऑप्शन नंबर डी देखिए, हमें एक ऑप्शन क्या दे रखा है, अलग दे रखा है। तो हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी क्या है, आयरन क्या करता है, एटलीस्ट एक्टिवेशन क्या करता है, कैटलेज को। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी का क्या है, फर्स्ट है। तो इसमें हमें सीधा सीधा मिल गया
ऐसे टाइम स्पेंडिंग की कोई जरूरत है? इसमें सिर्फ एक ऑप्शन को देखिए और एक ऑप्शन अगर सही मिलता है तो अपना करके आगे बढ़ जाइए, क्या करिए करके आगे बढ़ जाइए, क्योंकि ये क्या होता है टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होते हैं और अगर आप हर एक को मैच करने जाओगे तो आपका काफी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप एक ऐसा ऑप्शन जिसका है सारी चीजें अलग दी गई है, मतलब सारे ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं और देखिए क्या वो आपको आता है या नहीं आता है। अगर वो आपको आता है तो फटाफट उसमें लगाइए और आगे बढ़ जाइए, ये आपको क्या करेगा टाइम सेव करेगा ताकि आप और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्या कर पाए अटेम्प्ट कर पाए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, द डिवाइस विच कैन रिमूव द पार्टिकुलेट मैटर प्रेजेंट इन द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल पावर प्लांट, ये किसका है, इलेक्ट्रो स्पेक्ट्रोस्कोपी एनसीईआरटी की सीरीज नहीं है, ऑप्शन क्या ठीक होगा इसका, ऑप्शन नंबर क्या वन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगेन ये एक स्टेटमेंट और असर्शन वाला क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने बताया था कि क्वेश्चन पेपर काफी लेंथी था तो इसमें आप देख सकते हैं कि काफी मैच द फॉलोइंग और काफी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं जिन्हें पढ़ने में काफी समय जाएगा। तो क्या है अब की बार का इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं था, इतना सिंपल नहीं था अब टफ क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि ये लेंथी भी है और एक एक क्वेश्चन को ठीक करने के लिए आपको काफी सारी चीजें पता होनी चाहिए, तो हम इसे इजी तो नहीं बोल सकते हैं, क्या इस क्वेश्चन पेपर को हम इजी तो नहीं बोल सकते हैं। तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज यूजिंग डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ये क्या है डीएनए एम्प्लीफिकेशन के हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं। एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन इज यूज्ड इन सिलेक्टेबल मार्कर टू चेक द ट्रांसफॉर्मेशन, एम्फिसिलिन ये वाला है एम्फिसिलिन का ही हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या दे रखा है ये एक असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है कि रीजन को एक्सेप्ट नहीं करता है तो हो जाएगा फोर ठीक हो जाएगा। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सिंपल है लेकिन इतना भी सिंपल नहीं, क्या है कि डायोडर स्टेमन एक्सिलरी एस्टिवेशन कहां देखती है, सबको पता है कि ये पी प्लांट देखने मिलती है लेकिन पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है। उन्होंने देखिए एग्जामिनर कितना स्मार्ट है, क्या कहा एग्जामिनर कितना स्मार्ट है, उसने क्या करा कि क्वेश्चन बड़ा सिंपल किया लेकिन कहां फंसा दिया आपको साइंटिफिक नेमिंग में फंसा दिया। तो आपको कुछ स्पेसिफिक चीजों के साइंटिफिक नेम भी याद होने चाहिए, जैसे कि ट्री प्लांट का क्या होता है पाइसम सटाइवम होता है, स्नैप ड्रैगन के बारे में पता होना चाहिए आपका, मेरुबुलिस जलापा के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ये कुछ ऐसे प्लांट्स है जो अक्सर ही पूछे जाते हैं। आइए हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, सेक्शन बी, इसमें देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, 36 क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बेस स्पीसीज ऑफ द डीएनए विच कैन बी कट इजिली पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन टाइप, हमें क्या पूछ रखा है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पूछ रखा है कि इनमें से कौन सा ठीक है, जो आगे से और पीछे से पढ़ते टाइम क्या हो सेम हो, उसे हम क्या बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोलते हैं। पहला देखिए, पहला क्या देखा है, पहला गलत है CTC, ACT गलत हो गया, GTA, GAA, सेकंड क्या हो गया गलत हो गया, GAT, AGT क्या हो गया गलत हो गया, GAATTC, GAATTC ये क्या है ये सही है, तो इस ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। आइए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, काफी समय हो गया है तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37, द एंटायर फ्लीट ऑफ बसेस इन द दिल्ली वर कन्वर्टेड टू CNG फ्रॉम द डीजल इन रेफरेंस टू दिस व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मैंने क्या कहा कि जो CNG की बसेस है क्या वो चीपर देन डीजल है, इट कैन बी एडल्टरेटेड लाइक डीजल, CNG बर्न्स मोर एफिशिएंटली, द सेम डीजल इंजन इज यूज्ड इन द CNG बसेस टू मेक द कॉस्ट कन्वर्जन लो,
ये क्या हो गया, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। चैप्टर नंबर 16 से है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 4। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, हमें बताया है कि फॉल्स फ्रूट, फॉल्स बताइए, सबसे पहले ये बताइए कि ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट के बीच में डिफरेंस क्या है। ट्रू फ्रूट वो होते हैं जो सिर्फ किससे बनते हैं, ओवरी और ओवरी से बनते हैं, लेकिन फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, जिसमें थैलेमस भी इंक्लूड होता है। और थैलेमस क्या, थैलेमस क्या होता है, बाहर का पार्ट होता है। देखिए सी है, सी है, तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, क्या ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 139, तो एडिशन ऑफ द मोर सोल्यूट इज गिवन इन द सोल्यूशन विद, तुम्हें बताना है कि आपको क्या पता होना चाहिए कि वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए कि क्या होता है प्योर वाटर, क्या होता है जीरो। और अगर हम इसमें सोल्यूट ऐड करते हैं तो क्या होता है, मतलब क्या होता है, जीरो से कम हो जाता है, तो क्या आएगा, लोअर वाटर पोटेंशियल। क्या का क्या होता है, पोटेंशियल होता है जीरो। ये सीधा सीधा एक एनसीईआरटी की लाइन है जो आपको पता होना चाहिए। ये अभी 2-3 से पहले क्वेश्चन आया है, प्योर वाटर का क्या होता है, वाटर पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं, ये अगेन एक मैचिंग वाला क्वेश्चन है। क्या है, ये अगेन एक मैचिंग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं ताकि हम ऑप्शंस को देख सके। तो देखिए क्या दिया गया है, स्पाइरोग्राम फिलेरिया ओसाइकस, डोमिनेंट डिप्लोइड स्पोरोफाइटा वैस्कुलर बंडल्स विद हाई रिड्यूस्ड मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइटा, ये किसमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है साइकस में। डी का क्या है, डी का 1 है, और डी का 1 सिर्फ एक ऑप्शन में, तो ऑप्शन क्या होगा, 4th होगा, हमें आंसर मिल गया 4th। डोमिनेंट हैप्लोइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइटा, डोमिनेंट हैप्लोइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइटा, फिर ये होता है किसमें, स्पाइरोगैरा में। स्पाइरोगैरा क्या है, एक तरह की एल्गी है, एल्गी में क्या होता है, प्लांट बॉडी क्या होती है, हैप्लोइड होती है। ठीक है, दो ऑप्शन हमने मैच कर लिया, ए का सेकंड मैच कर लिया, ए का सेकंड सिर्फ 2 में है, क्या कहा, ए का सेकंड सिर्फ 2 में है, इसमें हमें बस डी को मैच कर दी, डी का या फिर फर्स्ट होगा, डी का हमने देख लिया, डी का क्या होगा, डी का होगा ऑप्शन नंबर 3rd, वो सॉरी ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1st होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 4th हो गया। आपको दो ऑप्शन करते हुए हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, पूछ रखा है कि अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन कैन बी असाइंड, एक स्पीशीज पे क्या है प्लस है और दूसरी पे क्या है माइनस है, यह हमें दोनों चीजें कहां देखने को मिलती है, पैराजिज्म में और प्रीडेशन में देखने को मिलती है। ठीक होगा, एक स्पीशीज को बेनिफिट होगा और दूसरे को क्या होगा, नुकसान होगा, यही चीज इसमें पूछी हुई है। ऑप्शन नंबर क्या है, 3rd। अब ये प्रीडेशन का एक और क्वेश्चन देखा था, क्या प्रीडेशन का क्या करा हमने, अभी एक और क्वेश्चन देखा था कि प्रीडेशन क्या होता है, किसके बारे में हमने बात की थी कि प्रीडेशन के रिगार्डिंग कौन सी चीज ठीक है, ये भी हमने क्वेश्चन देखा था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 104 था या फिर 125 के आसपास था। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, देखिए एक क्वेश्चन अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो क्या है कि एक से दो क्वेश्चन बनाए गए हैं और वो भी क्या, सिंपल क्वेश्चन।
तो एक टेक्निक शायद हम दोबारा से शुरू करते हैं, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, हम अभी शुरू करते हैं। Sorry for the technical issue. ठीक है, चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक टेक्निकल इश्यू के कारण हमें बीच में छोड़ना पड़ा था, लेकिन आइए चलिए ये दोबारा हम कंटिन्यू करते हैं। तो हम कहाँ थे? हम थे क्वेश्चन नंबर 142 के पास। इससे पहले हमने बात की थी प्रेडिक्शन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 141। तो इसमें क्या दिया गया है, ये एक और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। क्या है? एक और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। देखिए कितने सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, तभी तो पेपर इतना लेंदी था। तो इस बार क्या होगी, इस बार इस चीज का जो हमेशा आसान आता था, तो इस बार क्या होगी, कट ऑफ भी क्या जाएगी, नीचे जाएगी, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर क्या था, काफी मुश्किल कहा जा सकता है, मुश्किल और लेंदी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। स्टेटमेंट वन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अर्ली वुड। In spring season, cambium produces the xylem element with narrow core. It is light in color. The spring along with the autumn would show the alternate concentric ring formation. It has lower density. तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ये वाला बताइए, इसका ऑप्शन क्या होगा? It also has a, कौन सा ऑप्शन सही है? हमें क्या पूछ रखा है, स्प्रिंग वुड के रिगार्डिंग पूछ रखा है। तो स्प्रिंग वुड क्या होती है, स्प्रिंग वुड में क्या देखने मिलता है, अर्ली वुड देखने मिलता है, लाइट इन कलर होता है, अलोंग विद द ऑटम वुड ये क्या शो करती है, एनुअल रिंग शो करती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट। इसमें डेंसिटी क्या होती है, लोअर रहती है, ई, ठीक है, और ऑप्शन क्या है, लाइट इन कलर। सॉरी ये गलत है, हमें देखना है कि क्या ए सी डी और ई कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर फोर्थ में दे रखा है ए सी डी ई। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर होगा फोर्थ। देखिए सीजनल कैम्बियम प्रोड्यूस द जाइलम एलिमेंट विद नैरो, अगर नैरो होगा तो हाई डेंसिटी शो करेगा, लोअर डेंसिटी शो नहीं करेगा। और किसमें होता है, ये ऑटम वुड में होता है। स्प्रिंग वुड में क्या होता है कि लो डेंसिटी वाले क्या करते हैं, जाइलम को प्रोड्यूस किया जाता है विद ब्रॉडर वेसल, ताकि पानी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, फ्लो कर सके और प्लांट ग्रो कर सके। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इससे अगले वाला क्वेश्चन भी क्या है, एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दे रखा है कि लिपिड स्टेटमेंट ऑन द लिपिड एंड फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। लिपिड के रिगार्डिंग हमें क्या ढूंढना है, एक करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है हमें। तो आइए हम अपना स्टेटमेंट देखते हैं, लिपिड। तो इसमें क्या दिया गया है कि लेसिथिन इज फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ ग्लाइकोलिपिड। ये ग्लाइकोलिपिड नहीं, ये क्या होता है, फॉस्फोलिपिड होता है। क्या होता है, फॉस्फोलिपिड। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रोड्यूस द वन और द मोर डबल बोन, ये भी क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या होता है, डबल बोन हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर
क्या है, ये वाला भी गलत है। अब देखिए हम कैसे इजिली देख सकते हैं, देखिए तीन ऑप्शंस में ए दे रखा है, क्या दे रखा है, तीन ऑप्शंस में ए दे रखा है और हमें करेक्ट आंसर को ढूंढना है और हमें पता है कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है, यानी जिसमें ए हो सकता है वो क्या है, वो ऑप्शन सभी गलत है, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, तो जिंजर ऑयल हैज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट हेंस रिमेंस द ऑयल इन विंटर, ये क्या है, ये सही है, ये वाला भी क्या है, ये सही है, और ये वाला भी क्या होगा, ये सही ही होगा, आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, असर्शन एंड रीजन की तरफ चलते हैं। असर्शन एंड रीजन में क्या, ये देखिए एक असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया गया कि मेंडल लॉ इंडिपेंडेंस असोर्टेड डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन दैट इज लोकेटेड कॉलोनी ऑन द सेम क्रोमोसोम, ये किसका है, ये किसकी लाइन उठा के दी गई है, ये लिंकेज के बारे में दिया गया है। लिंकेज में यही कहा गया है कि अगर एक क्रोमोसोम पर क्या होंगे, वे सेम जीन प्रेजेंट होगी और क्लोज होगी तो वे इंडिपेंडेंटली असोर्ट नहीं हो पाएंगी, मतलब इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर नहीं हो पाएंगी गैमेट्स में। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू है। और आइए दूसरा स्टेटमेंट देखिए, क्लोजली लोकेटेड जीन्स आर असोर्ट इंडिपेंडेंट, ये क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो क्या है, असर्शन इज ट्रू एंड द रीजन इज फॉल्स, क्या है, असर्शन इज ट्रू एंड द रीजन इज फॉल्स, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा वन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर क्या है, 145, इसमें क्या दिया गया, जेनेटिक्स यूज द ब्लाइंड अप्रोच फॉर सीक्वेंसिंग द होल जीनोम एंड ऑर्गेनिज्म फॉलोड बाय द असिस्टमेंट एज द फंक्शन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन है या फिर किससे क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए मुझे, किससे क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन है या फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए किससे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से। इसमें क्या आ गया, क्या करा गया था, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन किससे है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्वेश्चन है, किससे क्वेश्चन है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्वेश्चन है। और इसको इसमें क्या कहा गया है कि एक ऑर्गेनिज्म मतलब ब्लाइंडली सीक्वेंस करना किसी भी पूरे के पूरे डीएनए को, ये क्या कहा गया था, ये कहा गया था सीक्वेंस एनोटेशन, क्या गया, ये कहा, क्या कहा गया था, सीक्वेंस एनोटेशन। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड, एक्सप्रेस सीक्वेंस है, वे स्पेसिफिक डीएनए के पार्ट जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं वो एक्सप्रेस सीक्वेंस है कहलाते हैं। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होते हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ते हैं। और जेनेटिक मैपिंग क्या है, जेनेटिक मैपिंग हमने पहले भी बात की थी, जेनेटिक मैपिंग क्या होती है, क्रोमोसोम्स का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज नोन एज जेनेटिक मैपिंग। ठीक है, तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्सीलरेट द फास्फोरस साइकिल, ये किससे क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 14 से क्वेश्चन है, किससे क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 14 से क्वेश्चन है, 12th क्लास बायोडायवर्सिटी से पहला जो चैप्टर है उसमें साइकल्स दी गई है और उसमें बताया गया है कि विदरिंग ऑफ रॉक्स के कारण क्या होता है, क्या होता है कि एक्सीलरेट होती है फास्फोरस साइकिल, क्योंकि रिजर्वोर कहाँ होता है, रॉक्स के अंदर होता है, रिजर्वोर किसके अंदर होता है, रॉक्स के अंदर होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, वन होगा। ट्रांसफोर्म्स जंपिंग जीन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, ट्रांसफोर्म्स किससे रिलेटेड है, हमने बात करी थी जंपिंग जीन्स के बारे में बात करी थी हमने, जब डीएनए के बारे में बात करी थी, किसके बारे में, आरडीएनए के बारे में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में बात करी थी हमने। ठीक है, जंपिंग जीन्स के बारे में बात करी थी, तो ये किसमें काम आता है, आरएनए इंटरफेरेंस में काम आता है, याद होगा आपको आरएनए इंटरफेरेंस पढ़ा था, राइबोन्यूक्लियोटाइड के बारे में हमने बात करी थी, आरएनए इंटरफेरेंस जिसमें क्या होता है कि डबल, क्या होता है, डबल आरएनए आते ही, डबल स्टैंडर्ड आरएनए आते ही ये क्या करता है, डायसर नाम का एक केमिकल प्रेजेंट होता है हमारे शरीर के अंदर जो वायरस से बचाने के लिए होता है, वो क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को क्या करता है, कट कर देता है। इसी का इस्तेमाल किया था हमने
और इसी में आती है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसकोशंस क्या होती है, जंपिंग जीन्स होती है, तो एक इससे रिलेटेड है, और आरएनए आई किससे रिलेटेड है, जीन सीक्वेंस या फिर जीन साइलेंसिंग से, क्योंकि ऑटो रेडियोग्राफी तो वैसे भी नहीं होगा, और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन तो एम्प्लीफिकेशन का काम होता है, तो एक इसका एग्जांपल है, सही कहा आपने कि किसका एग्जांपल है, ये है जीन साइलेंसिंग का एग्जांपल, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। और मैं ये दोबारा बताते चलूं, ये हम कौन सा सेट सॉल्व करें, ये सॉल्व करें हम S2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए लार्जर बंडल सीड सेल इज फाउंड अराउंड द वैस्कुलर बंडल इन C4 प्लांट, व्हाट इज द रोल ऑफ लार्जर बंडल सीड सेल। देखिए क्या कहा गया है कि वो बंडल सीड सेल का क्या रोल होता है कैल्विन साइकिल में, C4 प्लांट्स में क्या रोल होता है बंडल सीड सेल का फाउंड अराउंड द वैस्कुलर बंडल। अगर मैं बात करूं बंडल सीड सेल की, तो इसमें क्या होता है, पैप होता है टू एनिमल द प्लांट टू टॉलरेट द हाई टेम्परेचर, प्रोटेक्ट द वैस्कुलर टिश्यू फ्रॉम हायर प्लांट इंटेंसिटी, प्रोवाइड द साइट फॉर फोटोसिंथेसिस पाथवे, किसका पाथ फॉर फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, किसका पाथ फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट फॉर द ऑपरेशन ऑफ कैल्विन साइकिल। तो इसमें क्या ऑप्शन ठीक होगा, एक टेक्निकल इश्यू के कारण हमने बीच में टेक्निकल इश्यू के कारण हमें रुकना पड़ता। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, जैसा कि हम पढ़ रहे थे क्या कि क्या रोल होता है बंडल सीड सेल का फाउंड इन दी वैस्कुलर बंडल्स इन C4 प्लांट्स। इसमें क्या होता है कि टू एंश्योर द प्लांट टू टॉलरेट द हाई टेम्परेचर, इसका ऑप्शन क्या है, ठीक है ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, टू प्रोटेक्ट द वैस्कुलर बंडल्स, ये काम तो हम करते ही नहीं हाई इंटेंसिटी से, अगर हाई इंटेंसिटी होगी तो फोटोसिंथेसिस भी ज्यादा होगा, टू प्रोवाइड द साइट फॉर फोटो रेस्पिरेशन पाथवे, फोटो रेस्पिरेशन तो होता ही नहीं C4 प्लांट में, ये सिर्फ किसमें होता है C3 प्लांट में होता है, टू इंक्रीज द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट हमने बात करी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है रूबिस्को, रूबिस्को कहां देखने मिलता है बंडल सीड सेल में, तो क्लोरोप्लास्ट का सिंगल आंसर होना चाहिए था बंडल सीड सेल, लेकिन हमसे क्या पूछ रखा है रोल ऑफ दी बंडल सीड सेल, इसमें क्या होगा वैस्कुलर बंडल्स आएंगे जो इसके बाद होती है, ठीक है तो ये क्या करती है हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करती है, इसका ऑप्शन क्या ठीक है ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है 149, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑटोसोमल लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। इसमें देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सीधा सीधा एनसीईआरटी में से दिया गया है, लेकिन कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि ये एनसीईआरटी में थ्योरी वाले पोर्शन में नहीं दिया हुआ,
किसमें नहीं दिया हुआ, थ्योरी में, ये डायग्राम के थ्रू हमें बताया गया है कि डोमिनेंट लिंग का एक एग्जाम्पल होता है वो क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। वो क्या है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4, हीमोफीलिया, एक्सलिंक्ड रिसेसिव, थैलेसीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव, सिकल सेल एनीमिया, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज होती है, इसके बारे में हमने बात भी करी थी अपनी क्लासेस के दौरान। तो अगेन एक और क्वेश्चन क्या है, मैचिंग का क्वेश्चन है, आइए हम देख लेते हैं, आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। और मैं द लीस्ट वन एंड द लीस्ट सेकंड, इसमें क्या दिया गया है, तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जब सेंट्रोमेट क्या होता है, मिडिल में होता है, तो ए का क्या है, ए का है हमारे पास 3rd, क्या है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्या होता है, सेंटर क्या होता है, मिडिल में होता है, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। 4 सेंट्रोमेयर्स एट द टर्मिनल, टर्मिनल कब होते हैं, जब टीलोसेंट्रिक बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। और सब मेटासेंट्रिक कब बोलते हैं, जब सिचुएटेड क्लोज टू वन एंड, नहीं, क्या होता है, जब थोड़ा ही स्लाइटली अवे होता है किससे, मिडिल से, इसे बोलते हैं हम सब मेटासेंट्रिक। और ये हो, क्या हो गया, एक्रोसेंट्रिक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ये हो गया बी। अब मैच कर लीजिए, ए का क्या है, 3rd, ए का 3rd सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो इसका आंसर क्या होगा, 3rd। आप इसे सिर्फ एक ही ऑप्शन से मैच भी कर सकते हैं, और अगर आप क्वेश्चन पेपर में, मतलब अगर आप वहां पे बैठकर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, तो इतना प्रेशर होता है कि आपको समय ज्यादा से ज्यादा बचाना है, तो आपको क्या करना चाहिए कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक ऑप्शन ऐसा चुनिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन क्या हो सके, एलिमिनेट सुने। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है कि एक में दो एक ही तरह के और दो में अलग अलग है, यानी सिर्फ आपको एक देखना है और क्या हो जाएंगे, दो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है और अटेम्प्ट करना है। आइए हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जूलॉजी की तरफ, ये थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो 51 देखते हैं, क्वेश्चन 51 क्या है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्रोमोसोम डीकंडेंस्ड एट टेलोफेज फेज, ये बात क्या है, ये बात एकदम सही है, क्रोमोसोम डीकंडेंस होते हैं, क्रोम अपने क्या करते हैं, डिस्क्रीट मैनर में आ जाते हैं टेलोफेज पर, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमेयर अकर एट एनाफेज, ये बात भी सही है। All the chromosomes fly at the equator at the metaphase, ये बात भी सही है। Spindle fibers attached to centromere, ये बात गलत है, centromere से नहीं होते, किससे होते हैं, kinetochore से attached होते हैं, क्या, spindle fiber, तो इसका और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एक और assertion reason का क्वेश्चन देखते हैं क्या है, osteoporosis is characterized by decrease the bone mass and increase the chances of fracture, ये क्या है, ये सही है, कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन, ये बिल्कुल क्या रखा है, ये क्या है, फॉल्स है स्टेटमेंट। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है हमारे ब्लड में, के कारण क्या होता है कि डिसऑर्प्शन होता है बोन से, क्या होता है, बोन से डिसऑर्प्शन होता है, मतलब कैल्शियम लेवल को रिलीज किया जाता है बोन्स को डिसोल्यूशन करके, ठीक है, डिसइंटीग्रेट करके बोन को क्या किया जाता है, कैल्शियम लेवल को निकाला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सही गलत हो गया, और स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट सही है, यानी असर्शन ट्रू है, और रीजन क्या है, फॉल्स है, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट होगा, इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका होगा 1। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 153, अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन लाइक ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स टू प्रोड्यूस द माल्टेज, माल्टेज क्या होता है, देखिए इसका सीधा सीधा सा फॉर्मूला है, सी टू द पावर एन एच टू ओ टू द पावर क्या, एन
टू एन माइनस का वन, ये है इसका फॉर्मूला। क्या है? ये है इसका फॉर्मूला। सॉरी यहां पे टू एन नहीं आएगा, यहां पे क्या आएगा, एन माइनस का वन। क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है। तो देखिए अगर दो यूनिट्स को जोड़ा है यानी सी ट्वेल्व एच टू ओ, तो यहां बारह में से वन इलेवन, और अब इस फॉर्मूले को क्या कर लीजिए, मैच कर लीजिए, ये आएगा ये वाला, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन। और ये चैप्टर नंबर नाइन से क्वेश्चन है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है कि सिंपल पूछ रखा है कि माल्टोज का फॉर्मूला क्या होगा। हाँ, अगर ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें ये दे रखा है और क्या कर रखा है, डिहाइड्रेशन होता है, जब भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो डिहाइड्रेशन होता ही होता है। वो कौन सा बॉन्ड बनता है, NHCO वाला। तो आइए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दोबारा एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड फॉर ओजेनेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या सही है पर लेकिन किसके लिए सही नहीं है, ओजेनेसिस। इट रिजल्ट इन द हैप्लोइड गैमेट फॉर्मेशन, ये बात दोनों के लिए सही है। इट द डिफरेंशिएशन ऑफ द गैमेट अकर्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मियोसिस, ये बात भी दोनों के लिए सही है। मियोसिस अकर कंटिन्यूसली एट इन अ मियोटिक डिवीजन इन सेल्फ स्टेम सेल पॉपुलेशन, ये गलत है, ये ओजेनेसिस के लिए गलत है, क्योंकि ओजेनेसिस में क्या होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान ही सारी चीजें बन जाए, मतलब जितने भी ओव्यूल्स होते हैं वो बन जाते हैं, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ई भी क्या है, गलत है, क्योंकि प्यूबर्टी के दौरान सिर्फ मेल्स में होता है लेकिन एम्ब्रियोनिक के दौरान फीमेल्स में शुरू होता है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी और डी क्या है, करेक्ट है। अब देखते हैं सी और डी किसमें दे रखे हैं, सॉरी इसमें क्या पूछ रखा है, इसमें पूछा गया है कि कौन सी चीज डीएनए को होल्ड नहीं करती है, मतलब कौन सी चीज दोनों के लिए सही नहीं है, मतलब एक के लिए सही होनी चाहिए और दूसरे के लिए क्या होनी चाहिए, सही नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है और ई में देखिए, ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया गया है, मियोसिस अगर कंटिन्यूसली, मियोसिस कंटिन्यूस नहीं होती क्योंकि क्या होता है, फीमेल्स में फीमेल एम्ब्रियोनिक के दौरान जितने भी ओव्यूल्स बनने होते हैं उसी के दौरान बन जाते हैं। तो ओव्यूल्स कब बनते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान बनते हैं, किसके दौरान बनते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान बनते हैं। और डी में प्यूबर्टी के दौरान शुरू नहीं होता, तो इसमें यही पूछा गया था कि कौन सी चीज एक के लिए सही है और दूसरे के लिए गलत है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉर किसके अंदर क्रॉप एंड गिजार देखने को मिलता है, बर्ड्स के अंदर क्रॉप एंड गिजार देखने को मिलता है। देखिए बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें क्या किया, साइंटिफिक नेम दे दिए, अगर आपको साइंटिफिक नेम्स आते हैं तो आप इसी क्वेश्चन को इजिली सोल्व कर लेंगे। पैवो क्या होता है, पिकोक होता है, और पिस्टुकुला तोता होता है, और क्रोवस क्रो होता है, क्या होता है, क्रो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द मियोसिस, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सी चीज सही नहीं है। सीधा देखिए, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन द मियोसिस वन, ये स्टेटमेंट सही है। फोर हैप्लोइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड, ये बात भी सही है। देयर आर द टू स्टेजेस इन द मियोसिस, मियोसिस वन एंड मियोसिस सेकंड, ये वाली भी सही है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर इन एस फेज ऑफ मियोसिस सेकंड, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या बताना था, इनकरेक्ट ही बताना था। तो क्या है कि एस फेज के दौरान तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है लेकिन मियोसिस सेकंड के दौरान नहीं होता, मियोसिस फर्स्ट के दौरान होता है। मियोसिस सेकंड क्या होती है, एक माइटोसिस होती है
और लेकिन इसमें रेप्लिकेशन नहीं होता डीएनए का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम के बीच में क्या देखने को मिलता है, कार्टिलेज देखने को मिलता है, इंटरकैनेटेड डिस्क कहां देखने को मिलते हैं हमें, हार्ट मसल्स में देखने को मिलते हैं। किस में देखने को मिलते हैं, हार्ट मसल्स में देखने को मिलती है हमें क्या, इंटरकैनेटेड डिस्क देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आइए फटाफट अपने क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। तो 158 में क्या दिया गया है, नाइट्रोजनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट। पैलेट और पेस्ट किसकी फॉर्म में होता है, पैलेट और पेस्ट का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, यूरियोगैमी शो करेंगे, यूरिकोगैमी शो करेंगे, जल्दी से बताइए, यूरियो होंगे या फिर क्या होंगे, यूरिको होंगे, क्या होंगे, यूरिको होंगे। तो यूरिको का मतलब होता है यूरिक एसिड और यूरियो का मतलब होता है यूरिया, यूरिया को रिलीज करना। यूरिया कौन रिलीज करता है, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स रिलीज करते हैं, लेकिन यूरिक एसिड कौन कौन रिलीज करता है, बर्ड्स रिलीज करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनिज्म विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव रिएजेंट, ये कौन शो करता है, साइक्लोस्पोरिन ए, कौन करता है, साइक्लोस्पोरिन ए, कौन शो करता है, साइक्लोस्पोरिन ए करता है, और साइक्लोस्पोरिन ए को कौन बनाता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगेन असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन, असर्शन में क्या है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोऑर्डिनेटर्स बट ऑल कोऑर्डिनेटर्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ये क्या स्टेटमेंट सही है, एनसीईआरटी के स्टेटमेंट में है, एज इट इज नोटोकोर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट रिवर, एडल्ट क्या है, वर्टिब्रेट, नोटोकोर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ये बात भी क्या है, ये सही है, लेकिन दोनों क्या करते हैं, आपस में रिलेट नहीं करते, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या है, 4 क्या है, सही है। क्या पूछ सकता है, एस पेनिसिलियम के लिए कौन सी ऐसे एक्सुअल बर्ड देखने को मिलती है, देखने को मिलती है कोनिडिया, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 12 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 से। जब आप डायग्राम्स में जाएंगे तो डायग्राम्स में आपको सीधा सीधा देखने को मिलेगा क्या, कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, ठीक है, तो उसी में दे रखा है, ऑलमोस्ट 4 या 5 पेज पे ही होगा, स्टार्टिंग से 4th या 5th पेज पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन क्या है, एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, स्टेटमेंट देखते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर इज अ कंडीशन वेयर द बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइज इट्स ओन सेल एज अ फॉरेन बॉडी, ये बात सही है। क्या होता है कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में यही तो होता है कि हमारी खुद की सेली हमारे ऊपर अटैक करने लगती है, से क्या बोलते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर द बॉडी डजंट अटैक सेल्फ सेल, लेकिन ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का। हाँ, और हमने इसमें अभी क्या देखा था कि अपनी खुद की सेल ही हमारे ऊपर अटैक करती है, तो ऑप्शन नंबर क्या, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स, तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है, 1.1 डीएनए कब देखने को मिलेगा, बताइए हमारी एक डिप्लोइड सेल में कितना डीएनए होता है, 2.2 मीटर, हैप्लोइड सेल में कितना होगा, 1.1 मीटर, ठीक है, बेस पेयर्स कितने होते हैं, 6.6 × 10⁻⁹, एक डिप्लोइड में, हैप्लोइड में कितने होंगे, 3.3 × 10⁹, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आ जाएगा 3, क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164,
164 में क्या गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैच फॉर डिजीज एंड इट्स सिम्टम, माइथेनिया ग्रेविस, जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन द वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ द स्केलेटल मसल, ये गलत है, माइथेनिया ग्रेविस इसके लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी एंड ऑटो इम्यून होम डिसऑर्डर कॉजिंग द प्रोग्रेसिव डिजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल, ये बात एकदम सही है, आर्थराइटिस, क्या ये बात सही है, नहीं, ये बात क्या है, गलत है, आर्थराइटिस क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, ये बात एकदम सही है, आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, टिटनी, हाई CO2 लेवल, टिटनी होती है लो CaA++ लेवल, मतलब क्या है कि लो कैल्शियम लेवल होगा तो हमें क्या देखने को मिलेगी, टिटनी देखने को मिलेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोक जो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोक जो, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया, ठीक है। अभी हमने एक XC2 का क्वेश्चन किया था, किसमें XC2 देखने को मिलेगा और किसमें नहीं देखने को मिलेगा, दोबारा से आ गया इनसीटू देखने का, दोबारा से क्या आ गया, इनसीटू, तो इनमें से कौन सा एक्स हमें बताना है, इनसीटू कंजर्वेशन रेफर्स कंजर्वेशन ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, एंडेंजर्ड स्पीसीज को हम कंजर्व नहीं करते, एक्सटिंक्ट को भी, एक्सटिंक्ट का तो कोई मतलब ही नहीं होता क्योंकि जो चीज जीवित ही नहीं है उसे हम बचा के क्या करेंगे, क्या करते हैं हम इन सीटू में, क्या करते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज को करना हो तो हम क्या करेंगे, XC2, हाई रिस्क स्पीसीज को भी कंजर्व करना हो तो XC2, और इन सीटू में क्या करते हैं हम, प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल बायोस्फीयर, पूरे के पूरे बायोस्फीयर को हम क्या कर देते हैं, कंजर्व कर देते हैं, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूबुल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, ठीक है। अगर ये स्टेटमेंट देखा जाए तो ये स्टेटमेंट वैसे सही है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड बात ये है कि जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल में क्या होना चाहिए था, यहां इनटू की जगह फ्रॉम होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट हो गया, क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया गलत। स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, ये बात एकदम सही है, तो क्या है इसका ऑप्शन, क्या स्टेटमेंट सेकंड सही है, नहीं। आइए हम देख लेते हैं एक बार, दोबारा से देखते हैं क्वेश्चन, स्टेटमेंट सेकंड क्या बता रहा है हमें, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम द स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है, स्पर्मेटोजोआ बनता है, स्पर्मेटोजोआ के ट्रांसफॉर्मेशन से क्या बनता है, स्पर्मेटिड बनता है, और उससे क्या होता है, डिफरेंशिएशन स्पर्म होता है, और स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन करने से क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं हम, स्पर्मिएशन बोलते हैं, स्पर्मिएशन नहीं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या हो गए, दोनों ही गलत हो गए, मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर थर्ड आना चाहिए, ठीक है। और आप बाकी कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा, वैसे मेरे हिसाब से तो थर्ड होना चाहिए। आइए चलिए देख लेते हैं क्या हुआ कि 8 ड्रोसोफिलिया मर गई 80 में से, 8 मर गई 80 में से, तो 8 बाई 80 क्यों लिया, मरी हुई स्पीसीज और जो पहले जितनी थी स्पीसीज उसमें से क्या निकालते हैं हम, रेट निकालते हैं, क्या निकालते हैं, रेट निकालते हैं, और जब हम रेट निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगले में क्या दिया हुआ है? अगले में हमें दिया हुआ है, तब तक आप ये स्टेटमेंट दोनों को पढ़िए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। आई होप कि आपने ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर दिया होगा। आइए देखते हैं क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया गया है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज द स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट द डीएनए नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? ट्रू है, क्योंकि यही तो होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को क्या करते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं और वहां पे क्या करते हैं, कट लगाते हैं। और दूसरा क्या देखा है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट। ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। तो क्या होगा इसका आंसर होगा थर्ड। दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन पेपर को हम खत्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए कंडक्टिंग पार्ट में क्या होता है कि टेम्परेचर ऑफ जो हवा का टेम्परेचर है उसे नॉर्मलाइज किया जाता है और हवा को क्लियर किया जाता है फॉरेन पार्टिकल से, और इनहेल्ड ह्यूमिडिफिकेशन किया जाता है। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी टिनी पार्टिकल्स हैं उन्हें क्या करते हैं, रोक लिया जाता है कंडक्टिंग पार्ट में। लेकिन जो क्या है, डिफ्यूजन का प्रोसेस कब होता है, ये होता है रेस्पिरेशन के दौरान। ठीक है, तो कंडक्टिंग पार्ट से रिलेटेड क्या नहीं होगा, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 नहीं होगा, सरफेस प्रोवाइड नहीं करता है। माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। ये स्टेटमेंट एकदम सही है, क्योंकि इसके पास ना तो सेल वॉल होती है और बहुत ही छोटा होता है बैक्टीरिया वायरस के साइज जितना। ठीक है, इसलिए कर सकता है। माइकोप्लाज्मा आर द बैक्टीरिया विद सेल वॉल। अभी हमने बात करी कि इसके पास क्या नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती, तो ये ऑप्शन हो गया फॉल्स। इसका आंसर है आंसर नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि कितने ml O2 ट्रांसफर करती है 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये करती है 5 ml, और 4 ml कौन करेगी, 4 ml होती है CO2 ट्रांसफर। 4 ml क्या होती है, CO2 ट्रांसफर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। एट विच लाइफ ऊजेंसिस प्रोसेस इज इनिशिएटेड। ये दोबारा से एक रिपीटेड क्वेश्चन है। अभी हमने किसमें बात करी थी कि प्यूबर्टी कब, प्यूबर्टी अटेन करने के बाद सिर्फ ओवम रिलीज होता है, लेकिन इसका डेवलपमेंट स्टार्ट कब होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के दौरान। किसके दौरान, एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के दौरान, ऑप्शन नंबर 4। देखिए टैगमीना कहां से निकलते हैं, टैगमीना निकलते हैं मीजोथोरेक्स। तो हमने बात करी टैगमीना के बारे में, टैगमीना कहां से निकलते हैं, मीजोथोरेक्स से निकलते हैं। एक सिंपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। अगेन ये एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, तो इसका क्या होगा कि फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को क्या होता है कि एब्जॉर्ब नहीं किया जाता ब्लड। स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरी कॉल्ड लैक्टियल्स एंड कैरी काइलोमाइकोस इनटू द लिम्फेटिक वेसल एंड अल्टीमेटली इनटू द ब्लड। ये क्या है, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और ये वाला भी क्या है, सही है। देखिए फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता ब्लड में, ये बात सही है, डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते, जब भी तो इन्हें जरूरत पड़ती है काइलोमाइक्रोन की, काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट होकर ये क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन शो करते हैं।
क्या शो करते हैं, एब्जॉर्प्शन शो करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट सेकंड, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आइए चलिए हम अपने चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, 175, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म बाय सीक्रेशन फ्रॉम ओरल कैविटी। ओरल कैविटी से क्या होगा कि जो सीक्रेशन नहीं होगा, क्या ड्यूप्लीकेशन ऑफ ओरल कैविटी, ये सही है। डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स, ये गलत है। डाइजेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स कहाँ होते हैं, वो होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, और वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन, और वो भी कहाँ, ड्यूडेनम, जब ड्यूडेनिक हॉर्मोन निकलते हैं, और कंट्रोल द बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन माउथ, ये बात सही है, सही है। इसमें क्या देखा है कि डाइजेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, देख क्या होता है कि स्टार्च क्या करता है कि डाइसैकेराइड में कन्वर्ट होता है और हमें क्या देता है, मिठास देता है। ऐसे ही फ्रक्टोज हुआ, फ्रक्टोज जब हमारे लगता है तो क्या होता है, मिठास देता है, लेकिन वो एक सिंपल शुगर है, ठीक है। और स्टार्च क्या है, कॉम्प्लेक्स है, पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। नेचुरल सिलेक्शन वेयर द मोर इंडिविजुअल एक्वायर्स द स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर देन मीन, मतलब कोई भी एक तरफ को डायरेक्शन, मतलब कोई भी एक तरफ को कैरेक्टर पकड़कर उसी तरफ बढ़ना, हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन बोलते हैं। अगर बीच में से कटा हुआ होगा तो क्या बोलेंगे, डिसरप्टेड, अगर रैंडम हो लेंगे, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इकोलाई में क्या होता है कि कैन नॉट कंबाइन द इंड्यूसर मॉलिक्यूल इफ द ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विद द लैक्टोज। अगर इंड्यूसर मॉलिक्यूल पूल क्या है कि वो कंबाइन नहीं हो पा रहा किससे, किससे नहीं हो पा रहा, इंड्यूसर मॉलिक्यूल से कंबाइन नहीं हो पा रहा, क्या एक्टिवेटर, तो फिर क्या होगा कि जेड वाई ए जीन क्या होगी, ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगी, अगर ये ऐसे देखा जाए तो, ठीक है। हम ये सोच के चल रहे हैं कि ये जो हमारा रिप्रेसर प्रोटीन है वो सीधा अटैच तो हो रहा है जीन से, लेकिन इंड्यूसर मॉलिक्यूल से अटैच नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें कोई भी चीज स्पेसिफाई नहीं करके दी है। तो ये क्या हो गया, ये एक डाउटफुल क्वेश्चन हो गया, लेकिन वैसे इसका आंसर वन होना चाहिए। अगर आप मन लगा के आए हैं तो 90% चांसेस है कि आपके क्वेश्चन ठीक हो जाए, बाकी की एनटीए की आंसर शीट आने के बाद देखेंगे हम। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन जीन थेरेपी एडेनोसिन पेशेंट रिक्वायर्स द पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट। हमें बार बार जेनेटिकली मॉडिफाइड लिम्फोसाइट की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वो सेल इमोर्टल नहीं होती, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आंसर नंबर सेकेंड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरोगिलिया। न्यूरोगिलिया क्या है, न्यूरोलॉजिकल टिश्यू है, न्यूरोलॉजिकल, तो हमने अभी बात करी क्वेश्चन नंबर 179 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या है,
इनमें से कौन सी चीज कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? कार्टिलेज इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज अ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. क्या है कि कार्टिलेज और ब्लड क्या है कि कनेक्टिव टिश्यू है स्पेशलाइज, और एडिपोज क्या है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, तो न्यूरोगलिया क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल टिश्यू है. इसका ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया सेकंड. देख ब्रीडिंग क्रॉप के बारे में बात करें, ब्रीडिंग क्रॉप भी हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स. हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में बात करेंगे तो बायोफोर्टिफिकेशन आएगा, क्योंकि विटामिन और प्रोटीन की क्वांटिटी हमने बढ़ा दी है. कैसे, क्या बोलते हैं? बायोफोर्टिफिकेशन बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए क्या गलत चीज है और क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एंडोप्लाज्मिक. पहला क्वेश्चन, प्रोकैरियोट्स ओनली आरईआर आर प्रेजेंट. आरईआर में क्या होता है कि आरईआर प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में. सबसे पहले मुझे ये बताओ कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं नहीं होते हैं? इसका आंसर है नहीं होता है. तो आरईआर प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर वन. चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगेन ये क्या है कि एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है. क्या है? एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है. आइए देखते हैं. द कोगुलेशन इज फॉर्म्ड ओवर नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन. थ्रोम्बिन का नेटवर्क नहीं होता, ये किसका होता है? फाइब्रिन्स का. ठीक है, तो ये वाला क्या है कि स्टेटमेंट सही है. स्टेटमेंट लेकिन क्या है कि स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट, ये भी सही है. तो स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर टू. आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. लिपेलूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव. लिपेलूप का एग्जांपल, लिपेलूप किसका एग्जांपल है? ये है नॉन मीडिएटेड आईयूडीज. क्या है? नॉन मीडिएटेड आईयूडीज, आईयूडी, नॉन मीडिएटेड आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डिसऑर्डर. ठीक है, तो अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है. सिर्फ इसमें क्या करना था कि आपको ऑर्डर बताना था क्या कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीनस, स्पीसीज. चैप्टर फर्स्ट का सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है. आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ क्या करना था? मैच करना था कि क्या ये सही है या नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डेट्रिवोर ब्रेक डाउन द डेट्रियस इंटू द स्मॉलर फ्रेगमेंट. स्मॉलर पार्टिकल्स इज कॉल्ड क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन. ये क्वेश्चन दोबारा से अपने आप में रिपीट कर रहे हैं. हमने किसमें देखा था? स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में देखा था कि जब हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर वन में तोड़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं. तो इससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द साइनेप्सिस. केमिकल साइनेप्सिस यूज न्यूरोट्रांसमीटर्स. ये बात एकदम सही है. इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस अ केमिकल साइनेप्सिस ऑलवेज फास्टर देन अक्रॉस अ इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस. ये चीज गलत है. ये जस्ट इसका क्या है कि रिवर्स है. केमिकल साइनेप्सिस में स्लो होगी और इलेक्ट्रिकल में क्या होगी? फास्ट होगी. तो हमें इससे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं. क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? सही है. चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मैच करना है. डायफ्राम क्या होते हैं? दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग थ्रू द एंट्री. तो इसका नंबर क्या हो गया? फोर्थ हो गया. ए का फोर्थ किसमें? दो में है. ठीक है, कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स के बारे में बात करेंगे. इनिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन किसका है? ये है इसका, इसका हो गया बी.
ठीक है, इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो देखिए ए का फर्स्ट, बी का फर्स्ट, हमें अभी इसे देखना पड़ेगा कि सी और डी में क्या होगा। सी और चलिए हम डी ऑप्शन को देख लेते हैं। डी में क्या है, लैक्टेशनल एमिनोरिया। ये क्या है कि एक नेचुरली मेथड है जिसमें क्या होता है कि मदर जब लैक्टेटिंग होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी, और इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका है ऑप्शन नंबर डी, इसका है ऑप्शन नंबर सी। तो डी का क्या है, थर्ड। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दौरान क्या चीज सही है, एन एम्युनिस्टिक रेस्पॉन्स इज ड्यू टू द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। ये बात क्या है, तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रेस्पॉन्स में क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या रहेगा, सबसे पहला क्वेश्चन, एन एम्यूनिस्टिक रेस्पॉन्स इज ड्यू टू द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर। हमें क्या बताना है, इसमें इनकरेक्ट बताना है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्वायर्ड एन एम्युनिस्टिक रेस्पॉन्स इज ड्यू टू द मेमोरी ऑफ द फर्स्ट, ये ऑप्शन क्या है, सही है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है पैसिव इम्यूनिटी और एक्टिव इम्यूनिटी में हम इसे डिफाइन करते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में क्या होता है कि जब एंटीबॉडीज लड़ती है, और पैसिव में क्या होता है, जब रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका आंसर है आंसर नंबर सेकंड। आइए आगे के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। प्राइमरी रेस्पॉन्स इज प्रोड्यूस व्हेन आवर बॉडी एनकाउंटर अ पैथोजन, वही बात आ गई जो मैंने अभी बताई थी। एन एम्युनिस्टिक रेस्पॉन्स इज इलाइट ऑन द सब्सिक्वेंट अकर्स विद द सेम पैथोजन। जब मेमोरी सेल्स के बारे में बात करी थी हमने, तो हमने इस वाले स्टेटमेंट के बारे में बात करी थी। तो क्या है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, इससे ऊपर वाला भी ट्रू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सेकंड। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ है, अ कलर ब्लाइंड फीमेल, अ मैन हुज मदर वॉज कलर ब्लाइंड। देखिए व्हाट इज द चांसेस ऑफ हर प्रोजेनी हैविंग। देखिए इसमें अगर आपने यहां तक का पहुंचे, क्या है कि फीमेल क्या है कि कलर ब्लाइंड है, ये एक्स लिंक रिसेसिव डिजीज है, ये हो गया कलर ब्लाइंड फीमेल। और क्या कहा गया कि उसकी मदर कलर ब्लाइंड थी, फादर से क्या आता है, वाई क्रोमोसोम्स आता है, लेकिन मदर से क्या आता है, एक्स क्रोमोसोम्स आता है। मदर कलर ब्लाइंड थी तो ऑब्वियसली सन भी कलर ब्लाइंड होगा, तो ये क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे ये, और ये भी क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे, ठीक है। ये और ये क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे, और ये भी क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। तो इसमें क्या होगा कि 100% क्या है कि कलर ब्लाइंडनेस है, तो ऑप्शन क्या आगे जाएगा, सेकंड। सिंपल बेसिक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन के इफेक्ट में क्या चीज सही नहीं है, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्सॉर्प्शन, ठीक है ये काम कराता है, डिक्रीज द कैंसर लेवल इन द ब्लड, रीअब्सॉर्प्शन डिक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, ये चीज गलत है, इंक्रीज करता है, रीअब्सॉर्प्शन द कैल्शियम लेवल बाय रीनल ट्यूब्यूल, ये चीज सही है, डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन,
ये चीज गलत है, इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट से कुछ लेना देने नहीं होता, किसका, पैराथायरॉइड हार्मोन का। ये कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में करते हैं, तो ऑप्शन क्या गया, ए एंड सी। इसका सही आंसर क्या होगा, आंसर नंबर थर्ड। चलिए आगे चलते हैं, अगेन एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, बड़ा आसान। हु हार्मोन इंसुलिन कंटेन द एक्स्ट्रा स्ट्रेच्ड पेप्टाइड सी। स्टेटमेंट सही है, ए एंड बी पेप्टाइड इंसुलिन में बनाया जाता है और ये कंबाइन किया जाता है डाइसल्फाइड बोन से। ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू है। और इंसुलिन यूज फॉर ट्रीटिंग द डायबिटीज वॉज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल्स एंड बी। ये क्या है, ये गलत दे रखा है, कैटल्स और पिग से नहीं किया जाता, इंकोलाई में बनाया जाता है। अब प्रो इंसुलिन नीड प्रोसेसिंग क्योंकि इसके पास सी पेप्टाइड होता है, तो ये बात भी सही है। और सम पेशेंट डेवलप द एलर्जी क्रिएशन ड्यू टू द फॉरेन इंसुलिन। ये बात क्या है, ये बात गलत है, क्योंकि इंसुलिन अब क्या बनाई जाती है, इंसुलिन कैसे बनाई जाती है, अब इकोलाई से बनाई जाती है और ह्यूमन की तरह ही होती, ह्यूमन में बनने वाली जैसी होती है, तो एलर्जिक रिएक्शन शो नहीं करती। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका आंसर क्या है, ए सही है, बी सही है और डी सही है, सी और ई क्या है, गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, थर्ड ऑप्शन ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। होमोलॉजी इंडिकेट्स द कॉमन एंसेस्टर। होमोलॉजी इंडिकेट क्या करती है, कॉमन एंसेस्टर करती है। ये बात क्या सही है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर पेयर ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। ये बात गलत है, ये एक एनालोगस ऑर्गन है। तो इसका आंसर क्या आ गया, सेकेंड आ गया, एनालोगस स्ट्रक्चर रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये स्टेटमेंट भी सही है, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो आर एग्जांपल ऑफ एनालॉजी। ये बात भी सही है, क्योंकि पोटैटो स्टेम का होता है और स्वीट पोटैटो क्या होता है, रूट का होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम इनटू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग डायस्टोल। क्या कहा गया, चलिए क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है, कि ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम द एट्रियम इन द वेंट्रिकल्स, इनक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉज द क्लोजिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वॉल। हमें क्या ढूंढना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। द एट्रियो वेंट्रिकल जनरेट्स द एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। ये कौन करता है, एस ए एन करता है, कौन करता है, एस ए एन करता है। तो ये क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया गलत। क्या हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्स ओपन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सग्रेटेड बाय द साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। ये क्वेश्चन क्या है, ये भी गलत है ये ऑप्शन। और द इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग द क्लोजिंग ऑफ द सेमिनल वॉल्व। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो सेमिनल वॉल्व क्या होगी, खुलेंगी, ना कि क्या होगी, बंद होगी। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ब्लड फ्रीली मूव करता है डायस्टोल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर। प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट, नहीं, एंजाइम रेस्ट्रिक्शन साइट क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इज नॉट अ डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। तो प्रेजेंस ऑफ अ टू और मोर रिकॉग्निशन साइट, ये चीज गलत है। रिकॉग्निशन साइट अगर एक से ज्यादा होगी तो मल्टीपल कट्स लग जाएंगे, इसलिए रिकॉग्निशन साइट क्या होनी चाहिए, सिर्फ एक होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर नंबर सेकंड। देखिए जीन मैपिंग का क्वेश्चन है, दोबारा से जीन मैपिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि सबसे पहले वो ऑप्शन ढूंढिए जिसमें सबसे ज्यादा दे रखी हो। इसका सोल्व करने का एक सिंपल सा तरीका होता है, वो ढूंढ लीजिए जो सबसे ज्यादा हो। इसमें क्या है, ए एंड डी में 29% है, ए को यहां लिखिए और डी को यहां लिखिए और इनके बीच में क्या है, 29%। अब दूसरा ढूंढिए सबसे ज्यादा डिफरेंस किसके बीच में है, 24, सी एंड डी के बीच में कितने का डिफरेंस है, 24 का डिफरेंस है। अब ए और सी के बीच में कितने का डिफरेंस है,
ए और सी के बीच में डिफरेंस है 5 का, ठीक है। अब सी को यहां लिखे, इसके बीच में 5 का है और इन दोनों के बीच में 29 का है, तो 5 का गैप आ गया। अब ढूंढते हैं सी और डी, ए सी खत्म, ठीक है। अब सबसे ज्यादा और किसमें है, ए और बी में 20% आता है, किसमें, ए और बी में 20% आता है, बी और डी में 9% है, बी और डी में 9% है, यानी बी यहां पे आना चाहिए, बी यहां पे क्यों आना चाहिए, ए और बी में 20% और बी और डी में कितना होना चाहिए, 9% होना चाहिए। तो ए डी में कितना होता है, टोटल 29, ए बी में कितना हो गया, ए और बी में कितना हो गया, 20% हो गया, बी और डी में कितना हो गया, 9% हो गया, तो ए और डी में कितना होना चाहिए, 29 होना चाहिए, तो कितना दे रखा है, ए और डी में 29 दे रखा है। तो क्या बचा, ए सी बी डी आ गया, क्या आ गया, ए सी बी डी, ऑप्शन नंबर सेकंड ट्रू है, क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए लास्ट 4 क्वेश्चंस देखते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर के, सिंपल सा क्वेश्चन, बायो मॉलिक्यूल्स और इसका क्या करना है, इन्हें मैच करना है। ग्लाइकोजन क्या होता है, स्टोरेजिंग प्रोडक्ट होता है, ए का फोर्थ, देखिए ए का फोर्थ सिर्फ दो में है, इसमें और इसमें, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है, ऑप्शन नंबर थर्ड के दोनों ऑप्शन। ग्लोब्यूलिन क्या होती है, ग्लोब्यूलिन होती है फाइट इन्फेक्टियस एजेंट, ग्लोब्यूलिन क्या होता है, फाइट इन्फेक्टियस एजेंट, तो इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी आती है, तो बी का ऑप्शन क्या है, थर्ड है, बी का थर्ड किसमें दे रखा है इसमें, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, सेकंड। नहीं और भी देख लेते हैं, स्टेरॉइड क्या है, एक स्टेरॉइड क्या है, स्टेरॉइड क्या है, एक हॉर्मोन है, और थ्रोम्बिन क्या है, एक बायो कैटलिस्ट के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं इसका, बायो कैटलिस्ट जो क्या करती है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करती है थ्रोम्बिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, इसका आंसर की दोनों से सही है, आंसर नंबर सेकंड। देखिए अगेन करेक्ट द मैचिंग है, ब्रोंक्यूल्स में क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स में सीलिएटेड एपिथीलियम देखने को मिलती है, ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो कॉर्न पार्टिकल को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। ग्लोबलेट सेल्स क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू है। टेंडोन्स क्या है, टेंडोन्स के बारे में हमने पहले भी बात करी थी, टेंडोन्स क्या है, डेंस ड्रैग कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो ए का क्या हो गया, ए का हो गया फोर्थ, बी का हो गया थर्ड, सी का हो गया फर्स्ट और डी का हो गया थर्ड। देख लेते हैं डी का क्या है, सेकंड है, डी का सेकंड सिर्फ एक ही में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, स्लाइम मोल्ड्स आर पैराफाइटिक सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई अंडर द किंगडम मोनेरा, स्लाइम मोल्ड्स, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स होते हैं क्राइसोफाइट्स, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। माइकोप्लाज्मा है डीएनए राइबोसोम एंड सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती, तो ऑप्शन क्या हो गया, ये भी गलत हो गया। साइनोबैक्टीरिया ग्रुप ऑफ ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई अंडर किंगडम मोनेरा, ये ऑप्शन क्या है, सही है। बैक्टीरिया एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रोफ तो होते हैं लेकिन एक्सक्लूसिवली नहीं होते, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ भी होते हैं, क्या होते हैं, ऑटोट्रोफ भी होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। तो क्वेश्चन अगेन ये क्या है, एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, इन अ स्क्रबर द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर टू चार्ज द डस्ट पार्टिकल, ये क्या है, ऑप्शन ट्रू है। पार्टिकुलर मैटर कैन नॉट बी रिमूव बाय स्क्रबर बट कैन रिमूव बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये भी क्या है, सही है। तो क्या है, दोनों स्टेटमेंट सही है, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, वो सॉरी ऑप्शन नंबर क्या होगा, थर्ड सही होगा। और ये हम कौन सा सेट कर रहे हैं, S2 को सोल्व कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है, S2 को सोल्व कर रहे हैं। तो क्या है, स्क्रबर पहला ऑप्शन भी सही है और सेकंड भी। और ये क्या है कि हमने एक और क्वेश्चन देखा था कि जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में पूछा गया था,
कि पार्टिकुलेट मैटर किससे करा जाता है, तो ये क्वेश्चन इसी में रिपीट कर दिया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं हम अपने क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन। तो क्या क्या रखा है कि 10 इकोलाई है, क्या है कि 10 इकोलाई है, ठीक है, इंक्यूबेटेड इन अ मीडियम कंटेनिंग N14 आफ्टर 60 मिनट, हाउ मेनी इकोलाई हैव टोटली फ्री फ्रॉम N15। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, 10 इकोलाई दे रखी है हमें, कितनी है 10 इकोलाई। ठीक है, एक इकोलाई क्या करती है 20 मिनट में रेप्लिकेट करती है, तो 60 मिनट में कितनी बार करेगी, 3 बार रेप्लिकेट करेगी, तो 1 से 2 होगा फर्स्ट रेप्लिकेशन में, 2 से 4 होगा सेकंड में, और थर्ड में होगा 1 से 8। फ्री फ्रॉम N15 चाहिए हमें, तो वो कितने में होते हैं, कितने में होंगे, 6 में होंगे, 2 में क्या होंगे, N15 एक में प्रेजेंट होगा, तो 6 में क्या होंगे, नहीं होंगे। इरेज कर लेते हैं एक बार, तो हमसे पूछा गया था कितना कि 10 इकोलाई में कितने होंगे, एक इकोलाई, अगर एक इकोलाई में 6 इकोलाई ऐसी बन रही है जो N15 से फ्री है, तो 10 में कितनी बनेंगी, 60 बनेंगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर आ जाएगा फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट 100 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है बायोलॉजी में। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं और किन किन बच्चों का इस साल सिलेक्शन होने जा रहा है। जल्दी हम कट ऑफ के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, और अपने आने वाले जो बच्चे भी एक या कुछ मार्क्स से रह गए हैं वो बिल्कुल भी उदास ना हो, क्योंकि हम जल्दी ही अपने बैचेस को लॉन्च करेंगे, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको जल्दी ही बताई जाएगी। लेकिन आपने अभी अभी अपना एग्जाम कंप्लीट किया है, तो थोड़ी दिन का रेस्ट लीजिए और अपनी गलतियों को ढूंढिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपनी गलतियों को ढूंढना, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगी कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं रेगुलरली, तो तब तक आप चीजें सोल्व नहीं कर सकते। तो तब तक के लिए थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बच्चों को पता चल सके SG क्लासेस के बारे में और क्वेश्चन सॉल्विंग के बारे में और हमारे कोर्सेज के बारे में। जल्दी ही हम आपको सारी चीजों के बारे में बताएंगे, और कट ऑफ के बारे में जितनी भी चीजें होंगी वो जल्दी ही आएंगी, और केमिस्ट्री का सॉल्यूशन भी जल्दी ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो थैंक यू।